26 जनवरी आ रहा है और जब तक हम ऐसे समय पे कोई देशभक्ति वाला पोस्ट ना डालें तब तक मजा नहीं आता। इसलिए हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे पहले हम फोटो खींचेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे क्या प्रोडक्ट बना है, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कैसे हुआ। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हमने ये वाली फोटो बनाई है और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ये पहले वाली फोटो से बहुत ज्यादा डिफरेंट दिख रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं कि इस चीज को हमने किया कैसे, स्टेप बाय स्टेप हम आपको सारी चीजें बताएंगे। पहला, इसमें हमने बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन का यूज किया जिसका यूज करके हमने यहाँ पे इसका बैकग्राउंड यानी इसका स्काई यहाँ पे इरेज किया है ताकि फोटो को जब लेयरिंग करें, जब फोटो को तिरंगे के ऊपर चढ़ाए हम, टेक्निकल वर्ड में उसको लेयरिंग कहते हैं, तो आसानी से हो जाए। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि जैसे आपकी इरेजिंग होगी बैकग्राउंड या फिर स्काई इरेज करोगे वैसे ही उसी हिसाब से आपका प्रोडक्ट आएगा एंड रिजल्ट। इसके लिए दो तीन चीजें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। पहला कि जब भी आप फोटो खींचे वो किसी पेड़ के पीछे ना हो, पेड़ के पीछे होने के कारण जो पत्तियों के बीच में गैप होता है वो इरेज नहीं हो पाता सही से, करने जाएंगे भी तो भी सही तरीके से इरेज नहीं होगा। फिर जब आप इसका एंड प्रोडक्ट जब देखेंगे आप तो आपको लगेगा कि गलत है मस्त नहीं आएगा। ये मैंने ट्राई किया है, उसके बाद मैंने एक पिछले वीडियो में बताया है, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल वाले वीडियो में बताया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो इसलिए किसी बिल्डिंग के पीछे हो मोस्टली और पेड़ ना हो। इसके बाद हमने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का यूज किया। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का यूज करके हमने पहले तो जो दोनों फोटोज हैं उनको लेयरिंग की है, लेयरिंग मतलब उनके ऊपर चढ़ाया है और उसके बाद इसमें इफेक्ट को भी डाला गया है। तो जो ट्राई कलर है जो आपने तिरंगा सिलेक्ट किया है, मैं कहूँगा कि आप पर्सनली जाके गूगल पे या फिर जो अभी आपका प्रीफर्ड सर्च इंजन है वहाँ से सर्च करके अपना मूविंग ट्राई कलर, फ्लोइंग ट्राई कलर डालेंगे तो वहाँ पे आपको, तो उसके हिसाब से आप वहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसको करने के बाद इसमें आप जब इफेक्ट डालने जाओगे, मेरे लिए जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो मैजिक वाला है। इसे तो पहले तो अगर कोई भी माइन्यूट गलती भी आप किए रहते हैं बैकग्राउंड इरेज करने में, लेयरिंग करने में, तो वहाँ पे कवर अप हो जाता है और इसके साथ ही आपके फोटो को एक अलग ही वे दे देता है, क्रिस्पी बना देता है और कलरफुल बना देता है, मसालेदार एकदम चटपटा बना देता है, जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे चीज देखने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है कि ज्यादा ना हो पाए, ओवरडू ना हो, नहीं तो फिर फोटो खराब लगने लगती है, कचरा लगने लगती है, बेकार लगने लगती है। इससे आप एक स्टेप आगे भी जा सकते हो जिसमें आप ये जो ट्राई कलर्स हैं इनको मूवेबल फॉर्म में भी डाल सकते हो। इसके बारे में मैंने वो जो इंडिपेंडेंस डे वाला वीडियो है उसमें बताया है। तो आप उस वीडियो को अगर चाहो तो जाके देख भी सकते हो, डिस्क्रिप्शन के साथ पहला लिंक आपको मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ आई बटन मिल जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाके उस चीज़ को वहाँ पे देख सकते हो और मुझे कमेंट करके यहाँ बता सकते हो कैसा लगा। और अगर आपने कर भी लिया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आने वाले समय में और भी वीडियोज आ देखो 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 इधर इधर देखो एक बार रुको 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 देखो देखो अरे यार देखे होते तुम वहीं से देखे हो तुम जूम किए थे ए अरे रुको रुक जाओ बैठे रहो एक आदमी जा रहा है उसको जाने दो 1 2 3